फ्रंट वाटर फ्रंट से यहाँ से हम लोग को अंदर जाना है। चलो सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग हैं M2M फेरी में और जा रहे हैं अलीबाग, मुंबई टू अलीबाग। डॉकियर रोड से आपको नज़दीक गिरेगा ये मुंबई फेरी पकड़ने के लिए। और आप सामने मेरे पीछे व्यू देख सकते हो, आगे व्यू देख सकते हो, हर जगह व्यू देख सकते हो, बहुत अच्छा है। Hi, let's go. So guys, इसके लिए 1 पर्सन का 450 चार्ज है और मैंने नॉर्मल बुकिंग किया है 450 का। 1900 कुछ समथिंग है जिसके लिए सब इंक्लूड है, पास वगैरह। और देखो इधर से कितना बड़ा है, जेट्टी पूरा खाली है। मैंने 8 o'clock की जेट्टी बुक की थी और वो पूरी खाली है और हम लोग ने आई थिंक बहुत लेट इन किए। नज़ारा देख सकते हो गाइस, आप नीचे देख सकते हो पार्किंग वगैरह, कितना बड़ा पार्किंग है। और ये पब्लिक बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी भी नहीं है। संडे की जगह के पे मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा रहेगी, बट व्यू अच्छा है और रेटी भी अच्छी है। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रंट वाले साइड पे और बीच में आपको कैफे लगेगा। आपको इधर खाने के लिए सब मिल जाएगा, जैसे कि मोमोज हो गया, कॉफ़ी हो गया, बर्गर हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब मिलेगा, सब मिलेगा सब। और लोग जैसे खा रहे हैं इधर बैठ के, ज़्यादातर जाएंगे और बाद में बाइक जाएंगे। तो पहले बाइक है वो पहले उतारेंगे। सो अभी देखो, वो जिनके पहले बाइक से वो पहले निकालेंगे, जिनके पीछे है वो लास्ट में निकालेंगे। तो बाइक का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाइक वाले कैसे भी करके निकल जाएंगे। बट कार वाले अभी धीरे धीरे आना चालू हो गया है, आप देख सकते हो। गाइस, आपको इधर से जाने के लिए शेयर ऑटो भी मिल जाएगा। हम लोग जा रहे हैं अभी इधर से, ये वाला गेट है और अभी हम लोग जाएंगे अलीबाग मांडवा रोड जाएंगे। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं वो वाले खुलाबा फोर्ट पे, अलीबाग खुलाबा फोर्ट पे। और अलीबाग बीच से ही हमने फेरी ले ली है, मतलब एक छोटी फेरी ले ली है और उसका पर हेड 150 रुपये। लाटन सोवर, बहुत मजा आ रहा है गाइज, आप समझ सकते हो, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। सो गाइज, अभी हम लोग है खुलाबा फोर्ट के इंट्रेंस पे और उसका भारतीय पर्यटन के लिए आई थिंक 25 रुपीज़ है और फॉरेनर के लिए 300 रुपये का 2 पर्सन का। चलते अंदर, हमने टिकट तो निकाल लिया है, 2 जन। तो भाई अंदर आते ही आपको एक देवी का छोटे 2 मंदिर देखने को मिल जाएगा और आगे उसके। तो भाई इधर हमने जामुन और कैरी लिया और अब हम फ्रेश के लिए बहुत ज़्यादा औसम है, मतलब गाँव वाले फीलिंग आ रहा है और औसम है दोनों के दोनों। अगर आप आ रहे हो इधर तो ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करना, थोड़े बचपन के दिन याद आ जाएंगे। तो चलो चलते आगे। संडे की वजह से पब्लिक तो है बट इतनी नहीं है। चलते चलते टेम्पल के अंदर। तो भाई ये श्री गणेश का मंदिर है और इसका आर्किटेक्चर ऐसा लग रहा है बहुत पुराना, साल पुराना है ये। और देखने के लिए तो बहुत औसम लग रहा है, हमने दर्शन भी किए भगवान के और ये कुछ फ्लावर के पेड़ है। और इधर क्लाइमेट भी बहुत अच्छा लग रहा है और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर। अगर आप अलीबाग में आ रहे हो तो ये लेने को ज़रूर विज़िट करना, बहुत अच्छा है। इधर चलते एक्सप्लोर करते ये पूरा फोर्ट को, और मैं आपको दिखाती हूँ इधर क्या क्या व्यूज़ है और क्या क्या है, किधर किधर आप फोटोज़ वीडियोज़ रील्स वगैरह भी निकाल सकते हो। चलो, वाह क्या इधर व्यू है आगे। तो गाइस ये सबसे ऊपर वाला व्यू है। उधर थोड़े पब्लिक से तो हम लोग ने ऊपर आ गए, थोड़े वो फ्री होने के बाद हम लोग करेंगे। अभी सबसे ऊपर आए और इधर से व्यू देखो। सो गाइस इधर से आई थिंक हम लोग गलत टाइम पे आ गए, क्योंकि इधर से 360 व्यू देखेंगे तो आपको सनसेट व्यू बहुत अच्छा आएगा। अगर मॉर्निंग में आ रहे हो तो भी बहुत अच्छा आएगा, बट आई थिंक हम लोग दोपहर पे टाइम में आ गए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सन्नाटा है। मतलब हवा चल रही है ठंडी, पानी भी है, बट फिर भी वो सनसेट वाला व्यू मिस हो गया। तो अगर आप आ रहे हो तो सनसेट के टाइम पे आइए, ये प्लेस पे मैं सजेस्ट करूँगी। सो या मैं अभी 360 व्यू दिखाती हूँ, आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसा सनसेट व्यू मिल सकता है आपको। सो गाइस हमने एक आधा किलो पापलेट लिया था, वो भी फ़िश मार्केट से, अलीबाग फ़िश मार्केट से। और ये वर्सोवा बीच पे ही आपको बना के मिलेगा सेपरेटली, तो आप फ़िश बाहर से लेके आ जाओ मार्केट से और इधर बनाने के लिए दे दो। सो गाइस हमने 2 रोटी लिया था उधर, मतलब स्टार्टिंग में, और वो टेस्ट के लिए बहुत ग्रेवी, तो टेस्ट के लिए गाइस बहुत औसम थी, मतलब बहुत ज़्यादा औसम है। और हमने क्या किया था, आधे फिश है वो फ्राई किए थे और आधे फिश है वो मतलब उसका ग्रेवी बना के लिया था, और औसम लग रहा था वो टेस्ट के लिए। आप ग्रेवी देख सकते हैं कितनी अच्छी बनाई हुई है, ये फिश फ्राई देखो कितने औसम बनाए हुए हैं। और ओवरऑल मैं बोलूँ तो 10/10 फॉर दिस। अगर आप अलीबाग जा रहे हो तो ये चीज़ें। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय। लेनी को एक्सप्लोर करता है, परत